क्लास थी, तो इसमें मैंने आपके लिए सोचा कि जो गुलदाउदी है, क्रिसेंथेमम या सेवंती है, उसका लगाने का टाइम भी यही है। हमने तो पीछे अगेती ही लगा लिया, कुछ लोग अभी लगा रहे हैं, कुछ अगले महीने भी लगाएंगे, अगस्त तक भी लगा लेंगे, तब भी फ्लावरिंग आपकी अच्छी आ जाती है, पिंचिंग का समय मिल जाता है। लेकिन जो सितंबर अक्टूबर में लगाएंगे, उनके छोटे से पौधे में ही थोड़े से फूल आकर के रह जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने जून में पौधे लगाए थे, कुछ पौधे आपको बढ़िया दिखा देता हूँ। ये देखिए जो जून में लगाए हुए थे, ये सब जून के लगे हुए हैं और इसकी एक एक पिंचिंग हो चुकी हुई है। अब देखिए बहुत बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन इसमें वैरायटी कुछ ऐसी है कि पानी को बर्दाश्त नहीं करती। तो पानी को बर्दाश्त नहीं करती, वैसे तो हम पानी नहीं डालते, अपनी तरफ से ठीक ठाक करेंगे, बट ये बारिश जो है, अब जैसे कल की ही बारिश इतनी हो गई है, देखिए ये इसमें आधे से ज़्यादा पौधे इस लाइन के ख़त्म हो चुके हैं। ये जितने गमले आपको दिख रहे हैं या मरे पौधे दिख रहे हैं, सब में पौधे लगे हुए थे, सब के पौधे ख़राब हुए। पीछे लगातार 7 दिन की बारिश ने इनको बिल्कुल दम बैठा दिया। मिट्टी हालांकि वेल ड्रेन है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी पौधे मर गए, क्योंकि लगातार 7 दिन की 6 दिन की बारिश बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो ये नहीं बर्दाश्त कर पाए, एक तो इसका जो रीज़न है क्या है, कैसी मिट्टी चाहिए, वो टोटल मैं बनाना बताऊंगा, ताकि जो आप लोग अभी लगाएं, बरसातें तो हो ही रही हैं, चल ही रही हैं, तो ऐसे में आपका पौधा ना मरे, क्या क्या हम सावधानी प्रिकॉशंस बरत सकते हैं। मैंने तो पहले जो अगेती लगा दी उसमें ऐसा हो गया, लेकिन अब जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, ये बाद में लगाई है, इसमें हमने कुछ मिट्टी इस तरह की डाली कि देखिए इसमें से आपको एक भी पौधा मरा हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ये लगातार अभी लगाया है इसको, 10-15 दिन हुए होंगे, तो इनमें देखिए पौधे बहुत कम मरे हैं। तो ये टाइम टू टाइम जो देखना पड़ता है कि क्या कैसे चलेगा, इन लाइनों में देखिए, और ये जो 2 लाइन है बिल्कुल ख़त्म हो गई, उसमें हमने क्या कमी की, वो कमियां मैं आपको भी बता देना चाहता हूँ, या क्या सुधार किया, ताकि आप भी उसको अपना करके और अभी जो क्रिसेंथेमम लगाएं तो उसकी खूबसूरती का फ़ायदा उठा सकें। साथ ही साथ देखिए हमने अगेती जो है गेंदे की पौध ये उगा दी है, ये कसाटा बहुत ही बढ़िया वैरायटी होती है। तो ये मात्र 10 दिन का हुआ है, 10 दिन में पौध मेरी बिल्कुल तैयार है, ये देखिए 10 दिन में हमारी पौध बिल्कुल तैयार मिल जाएगी, लगने को तैयार है ये। अब फट से इसको लगा दिया जाए, और अगेती अगर अभी हम लगाते हैं कि जुलाई का एंड का समय चल रहा है और अभी लगाते हैं, तो मात्र 2 महीने के अंदर इसकी फ्लावरिंग हो जाएगी, यानी कि सितंबर एंड में इसकी फ्लावरिंग हमारी चालू हो जाएगी। तब तक मौसम भी सही हो जाएगा और बीच में एक दो पिंचिंग भी हम कर पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि गुलदाउदी में क्या क्या ऐसा डालें कि पौधे की ग्रोथ रहे और जो पौधा है वो ना मरे। तो इसके लिए 6 दवाइयां हैं जो मैं पहले आपको दिखा दूं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जैसे लगातार बारिश पड़ती है तो फंगस की दिक्कत आती है। फंगस की समस्या को दूर करने के लिए क्या है, ये देखिए, ये हमारा जो है बेविस्टीन सिस्टमेटिक कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है। तो ये क्या होगा, 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल करके और इसका स्प्रे करेंगे, तो ऊपर से जो पत्ते काले पड़ते हैं, ख़राब हो जाता है, जैसे सूख रहे हैं, वो चीज़ अवॉइड होगी। अब ये तो ऊपर की बात होगी कि ऊपर से फंगस लगेगा, तो उसके लिए जो ऑरल है ये, जिसको हम स्प्रे कर देंगे 2 ग्राम पर लीटर में। दूसरी आती है, जड़ों में फंगस आता है। जड़ों में फंगस के लिए ट्राइकोडर्मा संजीवनी है, ये हम अपनी मिट्टी में मिला के करें। अगर जिन लोगों ने मिट्टी में नहीं मिलाया है वो अब भी मिला सकते हैं। कैसे मिला सकते हैं, इसको घोल करके 2 ग्राम या 3 ग्राम पर लीटर और उनकी जड़ों में डाल देंगे, यानी कहने का मिट्टी के अंदर डाल देंगे, तो इससे फंगस आपका रुक जाएगा। तो ये 2 चीज़ें तो ये करनी है, और बाकी जो मिट्टी कैसी बनानी है, क्या वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आइए बताते हैं कि मिट्टी हम कैसे बनाएंगे ताकि हमारे पौधे की हालत जो है, जैसे मैंने दिखाया, इस तरह की ना बन पाए। राइस नहीं लाए, तो दोस्तों ये देखिए
जो हमने पहले लगाई है इसकी दो पिंचिंग कर चुके हैं। ये वैरायटी है कि पिंचिंग करते जाओ और ये फ्लावरिंग इसमें जितने नंबर ऑफ ब्रांचेस आएंगे पूरा गमला ऐसे गुच्छे की तरह भर जाता, तो इसीलिए थोड़ी अगेती हम कहते हैं कि अगेती लगा दो। जैसे हम अपना अप्रैल से देना शुरू कर दिया था, अब इसकी भी पिंचिंग हो जाएगी। ये सिंगल पिंचिंग भी नहीं हुई है, इसकी दो पिंचिंग हो चुकी है, इसकी एक हो चुकी है। तो ये तो बड़े वाली वैरायटी है, इसकी पिंचिंग की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके जो सकर्स निकलेंगे इस तरह से इसको हम काटते रहेंगे साथ के साथ, ताकि ये नीचे से ना हो, ये ऊपर ही जाए और फिर हमारे साइज़ जो है फूलों के, ये जो नॉर्मल साइज़ है वो साइज़ इसका बनेगा। साथ ही देखिए ये और लगा रखे मैंने, इनकी क्या हालत हो गई है, ये मर गए हैं। मर गए हैं कैसे मरे हैं ये देखिए, इसमें मिट्टी में क्या है, मॉइस्चर हो गया जैसे लगातार बारिश की वजह से। और ये मैं दिखाऊं उखाड़ के तो क्या होगा, ये पौधा जो है देखिए बिल्कुल ख़त्म कर दिया, जहां तक मतलब मॉइस्चर है आप देख सकते हैं। वो तरीका आप ध्यान से देखिए ताकि इसको अवॉइड किया जा सके, इतनी गीला कम करते हैं। अब ये मिट्टी हमने ली है, इसका रेशो मैं बता रहा हूँ, गौर से देख लें। और ये गमले रखे हैं खाली, अब हम इससे माप लेते हैं, माप के लिए कोई भी ले सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमने इससे मापा, दो गमलों का मान लेते हैं, तो एक दो तीन, ड्राइसेस के लिए आ थोड़ा सा, चार पाँच छः, ये छः भाग हमने में उसे कर सकते हैं। अब ये छः भाग मिट्टी लिया, आमतौर पे हम क्या करते हैं, छः भाग मिट्टी लेते हैं, गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट या लीप कंपोस्ट मिला करके लगा देते हैं। लेकिन जैसे बारिशें हो रही हैं, इस बार ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में इसको हमें एरेटेड बनाना पड़ेगा, मिट्टी को एरेटेड बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब जैसे गाड़ी का इंजन होता है, एक वाटर कूलिंग होता है और एक एयर कूलिंग होता है, तो यहाँ वाटर कूलिंग कम नहीं कर रहा है, एयर कूल बनाना पड़ेगा। एयर कूल बनाने के लिए हम क्या करेंगे आप देख लेते हैं। तो इससे पहले हमने छः भाग मिट्टी का लिया, अब हम एक भाग जो है इसका कैल्शियम पाउडर का ले लेंगे, कैल्शियम पाउडर एक भाग हम इसमें ले लेंगे मिट्टी में। अब इसका आधा पार्ट जो है हम इसमें नीम खली का ले लेंगे, वैसे 1/4 लेते थे लेकिन यहाँ आधा लेना पड़ रहा है क्योंकि फंगस की समस्या ज़्यादा आ रही है। ये देखिए इसका आधा हमने नीम खली ले लिया। अब जो है लीप कंपोस्ट की बात करें, तो लीप कंपोस्ट कितना मिलाएंगे हम, इस डब्बे से 2 डब्बा लीप कंपोस्ट मिला देंगे। तो ये इस तरह के हमारे बैग होते हैं जो हम देते भी हैं। ये लीफ कंपोस्ट है, इसका 2 भाग हम लीफ कंपोस्ट का डाल लेते हैं। ये देखिए वर्मी कंपोस्ट है तो 3 यूज़ कर सकते हैं, गोबर खाद है 3 यूज़ कर सकते हैं, ऐसे डोभी डालेंगे तो चलेगा। एक ये डाला हमने, ये 2 डाल लिए। तो ये लीफ कंपोस्ट अवेलेबल होता है प्रॉपर तरीके से बैक्टीरिया में बना हुआ। अब आगे क्या डालना, हमने नीम खली और ये चीज़ें हमने डाल ली। अब ये डालने के बाद इसको मिक्स कर देंगे, लेकिन यहाँ तक तो हम करते ही थे, तो आगे क्या करना है, मिट्टी को एरेटेड यानी कि एयर कूल बनाने के लिए साथ ही साथ हमने डालना है। ये देखिए कोकोपीट अगर डालते हैं आप, कई लोग कहते हैं कोकोपीट अगर आप डालते हैं तो क्या होगा, कोकोपीट पानी को होल्ड कर लेगा। हमें यहाँ पे पानी होल्ड नहीं कराना है, हमें पानी को निकालना है। पानी को निकालने के लिए ये क्या होता, हार्डी होता, पानी को पीता नहीं है, पानी को निकलने की जगह दे देता है और साथ ही साथ हवा इसके बीच में से पास होती रहती है, यानी कि
कोकोपीट अगर डालेंगे तो वो पानी को ले लेगा, लेकिन इसमें से ये डालेंगे तो हवा निकलती रहेगी। कहने का मतलब एयर कूल्ड मिट्टी हम इससे बना देंगे। राइस हस्ते या मूँगफली के छिलके से हम एयर कूल्ड मिट्टी मिला देंगे। ये सॉरी एक भाग मिला लेना है, ये जो हमने गमला लिया उससे सपोज करिए एक भाग हमने इसको डाल देना है। अगर मिट्टी आपकी हार्ड है ज़्यादा तो दो भाग मिला सकते हैं, नहीं तो एक भाग जो है ये मिलाइए। और ये मिलाने के बाद एक भाग ये हो गया, ये इसके बाद ट्राइकोडर्मा संजीवनी जो है वो कितनी मिलानी है। मिट्टी में ही ऑलरेडी मिला दिया, अगर नहीं मिलाया है तो मैंने आपको बताया है कि बाद में भी इसको घोल करके और हम जड़ों में डाल सकते हैं। तो इसको देखिए, ये दो गमलों के लिए मात्र मतलब मान के चलिए कि दो चम्मच ये हमने डाल दिया। ये डाल दिया तो फंगस जो है पनपेगा नहीं, पानी पड़ने के बाद भी फंगस हमारा पनपेगा नहीं। ये देखिए, इसके बाद इसको जो है प्रॉपर तरीके से मिला लेंगे तो ये मिट्टी जो है एरेटेड मिट्टी हो जाएगी बिल्कुल। कहने का मतलब एयर इसमें पास हो जाएगा, पानी हमारा रुकेगा नहीं। जहाँ पे हवा पास हो जाएगी तो फिर पानी तो मतलब नहीं रुकने का है, तो ये एरेशन भी हो जाएगी और मिट्टी हमारी हल्की रहेगी, जिसमें क्या है कि गर्मी नहीं बन पाएगी। अक्सर होता क्या है मीटअप में, अब बारिश हुई है तो इसके अंदर मिट्टी बिल्कुल बैठ चुकी है। ऐसे होगा जिस गमले में पौधा लगा हुआ रहेगा और मिट्टी ऐसे बैठ जाएगी, हवा तो जा नहीं रही है, अंदर ऐसे उबल जाएंगी। जैसे देखिए ये बिल्कुल बॉयल हो गई है ना, यहाँ से जहाँ तक मिट्टी में था, आप देखिए जहाँ तक मिट्टी में था वहीं तक ही सड़ी है, तो ये इस तरह से सड़ जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही बारिश रुकती है और धूप होती है या बारिश रुक गई, क्लियर हो गया, देखिए सभी गमलों के अंदर गुड़ाई की हुई है ताकि ये हवा निकल जाए और पौधे आपके बच जाए। नहीं तो हम उम्मीद लेके चलते हैं कि बहुत बढ़िया फूल खिलेगा और आधे से ज़्यादा पौधे हमारे इस तरह मर जाते हैं। तो ये मिट्टी जो है हमारी वेल ड्रेन बढ़िया मिट्टी तैयार हो गई है। तो इसको भरने के लिए देखिए सारी चीज़ें हमारी मिल गई, खाद भी हमने डाल दिया, नीम खली भी डाल दिया, राइस वो किया है राइस हस्क का, इसको ऐड करने के बाद आपके पौधे मतलब जो मरना है वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो ये हमने ये टिपरी रखी और इसको के पौधे लगाते हैं, कुछ पौधे ले आना, ये थैली वाले ले आओ, ये देखिए। तो इस तरह से हमने भर लेना है, ऐसे बहुत ज़्यादा हमने प्रेस नहीं करना है इसको, बस इतना ही रखा और इतना लगा दिया। और कभी भी आप गमले को जो है ना मतलब ज़्यादा खाली ना छोड़, कहने का मतलब ये देखिए एक इंची डेढ़ इंची जगह इतनी ही खाली हमने छोड़नी है। इसका कारण मैं पहले ही बताता रहा हूँ, आज भी बता देता हूँ। इसका कारण ये रहता है कि मान लीजिए बारिश हो रही है, मैंने बताया कि बहुत तेज़ बारिश हुई, अब कल वाली बारिश तो इतनी तेज़ थी कि वो एक घंटा भी नहीं चला होगा, जिधर देखो पानी कर दिया उसने। तो ऐसी कंडीशन में जब तेज़ पानी पड़ेगा तो इसके अंदर पानी भरेगा, स्टैग्नेट होगा, नीचे से निकलेगा सीप कर, ज़्यादा पानी का हो जाएगा। और इसमें क्या होगा कि पानी इतना ही आएगा और यहाँ से ओवरफ्लो होकर निकल जाएगा, बहुत कम जो पानी है वो नीचे से निकलेगा। तो ऐसे में हमारे पौधे की जो जान बची रहेगी, जो न्यूट्रिशन हमने डाला या फंगीसाइड डाला, नीम खड़ी डाला, व्हाटएवर जो भी कुछ डाला वो उसके अंदर सेफ रहेगा, क्योंकि पानी ऊपर से ऊपर निकल गया। और इसमें ज़्यादा जगह होगी, ज़्यादा पानी निकलेगा मतलब ज़्यादा न्यूट्रिशन निकल जाएगा हमारे गमले से। तो अब हमने ये इस तरह से भर लिया। इसमें दो तरीके प्लांट लगाने के हैं, दो तरीके कौन से हैं मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए, इसमें हमने मिट्टी इतनी डाल दी और इसमें हमने फुल फ्लैश मिट्टी डाल दी। अब देखिए दो तरीके पौधे लगाने के क्या हैं। एक तो हम क्या करते हैं कि जैसे पौधे आपके पास पहुँचते हैं, आप लेते हैं या लाते हैं, उसको इन छोटी थैलियों में या छोटी गमलियों में हम लगा लेते हैं। अब ये देखिए, इनमें पौधा मरने के चांसेस कम रहते हैं। कम क्यों रहते हैं कि देखो छोटी थैली है, थोड़ा एरिया है, प्लास्टिक है, इसमें सुराख साइड बाय है, तो बारिश भी हो गई देखो तभी पौधे सेफ हैं। और भी ले आना, दिखा देता हूँ। तो इस तरह से पौधे सेफ हैं। सेफ करने का कारण क्या है कि इसमें मिट्टी थोड़ी है, पानी थोड़ा आया, साइडों से भी देखिए होल्स हैं इसके अंदर, ये होल हैं, यहाँ होल है, तो इससे पानी निकल जाता है।
और आप ये देखिए कि इतनी भी बारिश हो गई है तो इनमें पौधे हमारे मरे नहीं हैं, ठीक ठाक चल रहे हैं। तो एक तरीका तो ये है कि इस तरह से लगा लें आप, और ऐसी कंडीशन में पौधे आ जाएँ तो उसको उठा के ट्रांसप्लांट कर दें। अगर आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्लास्टिक के गमले भी ले सकते हैं, ले सकते हैं। हालाँकि देखिए इसके अंदर बहुत गर्म हो रहा है, मतलब छूने लायक नहीं लग रहा है, इतनी गर्मी तेज है। अब इस गमले में हम, जैसे हमने इतना कम रखा, क्यों रखा, यहाँ रखा कि भाई ये जो हमारी मिट्टी है ये साथ के साथ आइस में आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में हम इस तरह से पौधे को लगा देंगे। अब इसमें लगाने का बेनिफिट क्या है ये भी बता देता हूँ मैं। अगर ऐसे में लगाया तो एक तो पौधा तैयार हो गया, दूसरा क्या है कि इसकी ग्रोथ के लिए जो हमारा गुलदाउदी फीड है, गुलदाउदी फूड है, उसको हम साथ के साथ डाल देंगे, क्योंकि डायरेक्ट रूट नहीं है। ये पौधा जो है हमारा 15 दिन 20 दिन या 25 दिन हो चुका है, हम अब गुलदाउदी फूड इसके साथ डालेंगे तो इसकी ग्रोथ जो है, जिन्होंने जून में लगा दिया जैसे हमने लगाया पहले, तो जून वाले के बराबर इसकी ग्रोथ अब भी आ जाएगी, क्योंकि इसमें लगा करके और एक मुट्ठी जो है हमने चारों साइड, ये देखिए ये गुलदाउदी फूड, गुलदाउदी स्पेशल फूड, ये हमने एक मुट्ठी इसमें डाल दिया, ज़्यादा नहीं डालना हमने, एक मुट्ठी ही डालना है, और साथ में इसको ये देखिए इससे ढक दिया। तो ये एक जो खाद का डोज है वो हमारा इसके अंदर पड़ गया। अब पानी डालेंगे, कितना पानी इसमें प्रॉपर डाल देंगे, लेकिन इतना नहीं डालना है कि पानी बहुत ज़्यादा हो जाए। तो एक तरीका तो ये हो गया, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ये छोटे जो प्लास्टिक के गमले हैं इनमें इसको ट्रांसप्लांट कर लें, और इसके बाद बड़े गमलों में कर दें, महीना 15 दिन बीतने के बाद, तो चांसेस जो हैं सर्वाइवल के और भी बढ़ जाएंगे। अब पानी कितना डालेंगे, पानी देखिए ये पानी 1 लीटर का डब्बा है, मात्र आधा लीटर पानी हमारा इसमें डलेगा, ये देखिए बस आधा लीटर पानी डाला हमने, और ये सफिशेंट है इसके लिए। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है, एक पौधा वहाँ से लेना, उनमें से देखिए, दूसरा तरीका हमने ये यहाँ तक ये पूरा डाल दिया, और हम क्या करेंगे कि इसको पौधे को ऐसे लगाएंगे, बस पौधा ये देखिए, ये हमारी सीडलिंग है जो हमने कटिंग से तैयार किया हुआ पौधा है, ये पौधा है, इसको लगाने के लिए हम इस तरह से गमला भरेंगे अगर डायरेक्ट लगाना है, और ये यहाँ से होल्ड किया, और ये देखिए इसमें कोई खाद एक्स्ट्रा नहीं डालना है, जो हमने आपको बताई है वही डालना है। और ये बड़े ध्यान से देखने वाली बात है कि कई लोग क्या करते हैं कि इसको खोदा,
हेलो, अब आ रही है साउंड? हेलो, अब साउंड आ रही है? सॉरी, ये पता नहीं लगा, हीट होकर के जो फ़ोन ऑफ हुआ ना उसमें साउंड इसकी चली गई थी, तो अब आवाज़ आ गई होगी। आई होप एक बार ही क्लियर कर दें ताकि मैं आगे बढ़ूँ। हाँ यस, आ गई साउंड। चलिए अब साउंड आ गया, आप पूछ सकते हैं। नीरा वर्मा, नो साउंड। ठीक है जी, अब साउंड आ गया, अब आप क्वेश्चन अपने डालिए ताकि मैं जल्दी से जवाब दे दूं। जो डाउट्स है आपके डाउट्स डालिए, अब साउंड आ गई है और मैं आंसर कर दे रहा हूं आपका। अमन सर, पोटेशियम के लिए प्लांट में क्या करें? पोटेशियम के लिए देखिए, जो हमारा जिंक, फास्फोरस और कैल्शियम तीनों इसमें मिल जाता है, पोटास होता है पोटेशियम। पोटेशियम के लिए केले का खाद आप डाल सकते हैं बना करके, केले में अच्छा खासा पोटेशियम होता है, तो वो डाला जा सकता है आपका, उसका इस्तेमाल करें। और वैसे जो केमिकल सोर्स की बात करें तो पोटास के नाम से मिलता है, बट उसको सावधानी पूर्वक डालें। जैसे एक चम्मच को जो है 5 से 7 लीटर पानी में घोलिए, तब उसको थोड़ा थोड़ा गमलों में डाल दें, नहीं तो एक चम्मच अगर एक गमले में डाल दिया तो पौधा आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? सर, अनियन पील भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अनियन पील पोटेशियम का सोर्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन साथ ही साथ इसका नुकसान भी रहता है थोड़ा सा। ये एंटी फंगल भी होता है, एंटी फंगल होने की वजह से, एंटी बैक्टीरियल होने की वजह से जो हमारे बैक्टीरिया जो ज़मीन के अंदर है, मिट्टी के अंदर है, वो मर जाता है। तो इसको बहुत बार बार यूज़ नहीं करना चाहिए आपको। कहने का मतलब, लोग कहते हैं कि इसको खाद के तौर पे यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो ज़्यादा करेंगे तो उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, जो जीवाणु हमारे मिट्टी के अंदर है वो ख़त्म हो जाएगा और आपका पौधा सही नहीं चलेगा। तो आप साल में 2 बार 3 बार यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा यूज़ ना करें उसका। और किसी के कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं, नहीं तो हम वाइंड अप कर देंगे इसको यहीं पर। दिनेश यादव जी, सर ये जो बाग आपने मिट्टी में मिलाया है, क्या है बाग मिट्टी में मिलाया है, ये कुछ ज़्यादा नहीं है, इससे पौधा ख़राब नहीं होगा क्या? क्या चीज़ आप मिलाने की बात कर रहे हैं? जो मैंने मिलाया बिल्कुल हमारा जो अजमाया हुआ है उसी को आपके साथ डिस्कस करते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 6 बाग के अंदर 2 भाग आप मिला सकते हैं खाद का, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सचिन शर्मा, गुड़हल में पत्तियां नहीं आ रही है श्रीमान जी, आप इसकी फ़ोटो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9996928517 पे डाल दें और उसमें लिख दें क्या दिक्कत है। कई बार जड़ों में रूट बॉन्ड होने की वजह से भी ऐसी दिक्कत होती है, कई बार फंगस की वजह से भी होती है, तो देख करके जो भी बेस्ट सॉल्यूशन है वो आपको हम दे देंगे। नेक्स्ट पार्टनर गेमिंग, गुलदाउदी का वेराइटीज़ का पहचान कैसे करें? देखिए, इसके लिए लंबा समय लगता है। गुलदाउदी जो बड़े वाली है उसके पत्ते बड़े होते हैं, और जो एक डेकोरेटिव वैरायटी आती है मीडियम, उसके पत्ते मीडियम साइज़ के होंगे, या यूँ कह लेंगे बड़े वाले और मीडियम वाले के पत्ते लगभग एक जैसे होते हैं, तो वो पत्तों से पहचान करनी होती है,
वो समय लगता है आपको, मैंने कई बार पत्ते की पहचान बताई है। आगे भी कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर एक वीडियो डाल दूं ताकि आप लोग उसको देख करके सीख सकें। दिनेश यादव, दो लीप कंपोज का बिल्कुल 6 भाग मिट्टी के अंदर इतना चलेगा जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें आपको। अगर आपके मिट्टी में ऑलरेडी खाद है तो इसको एक भाग कर लें, नहीं तो दो भाग चलता है। रंजना जी, इंडोर प्लांट्स ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। इंडोर प्लांट्स का ग्रोथ का समय अभी सही नहीं है क्योंकि पानी से ये बचते हैं और अभी बरसातें हो रही हैं, तो इसमें एक इंडोर फूड आता है उसको आप डाल सकते हैं, उससे इसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, सही हो जाएगा। अमन, बनाना पील का यूज़ कैसे करें? देखिए, बनाना पील का यूज़ दो तरीके से कर सकते हैं। एक बनाना पील को क्या करना है, बारीक काट करके और गमले में डबा के ऊपर मिट्टी से ढक दें जिसमें हवा ना लगे, मतलब अंदर मिट्टी के अंदर रहे, वो धीरे धीरे डिकम्पोज होकर के आपके गमले में जो खाद की कमी है वो पूरी करेगा। दूसरा तरीका है उसको अच्छे से डिकम्पोज होने दें, सड़ा लें, 5-7 दिन नहीं, कम से कम 4-6 महीने, इसके बाद उसको डाइल्यूट करके और आप गमलों में डाल सकते हैं। पांथर गेमिंग, 1000 फ्लावर वाला वैरायटी कौन सा होता है? इसको मल्टी फ्लोरा बोलते हैं, मल्टी फ्लोरा, उसमें पिंचिंग और नॉन पिंचिंग दो टाइप की आती है। आशुतोष मिश्रा, नो साउंड, अभी तो साउंड आ रही है मिश्रा जी। दिनेश यादव, सर बालू मिट्टी सही होती है ना? बिल्कुल बालू मिट्टी सही होती है, उसमें लगा लें, बालू मिट्टी में तो वैसे रुकता नहीं है ना पानी, तो वो ठीक रहता है और हल्की भी रहती है। अमन, मैरी गोल्ड सीडलिंग्स कब मिलेगी? मैरी गोल्ड सीडलिंग्स के लिए थोड़ा सा मौसम का वेट करेंगे हम, तब देना शुरू करेंगे, और देना शुरू करेंगे तो हम ज़रूर वीडियो डालेंगे या क्लास में आपको डिस्कस कर लेंगे। अंतर गेमिंग, विंटर सीड्स क्या अभी लगा सकते हैं? नहीं, विंटर सीड्स अभी बिल्कुल नहीं लगाएंगे, ऐसा होता तो हम देना ना शुरू कर देते, ऑनलाइन लोग देने लगे हैं, बट अब ये देखिए कि गर्मी कितनी है, जर्मिनेट हो जाएगा और जैसे एक दिन की धूप पड़ेगी तेज सबके सब मर जाएंगे, और छाया में रखेंगे तो उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, वो गिरना शुरू हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन के लिए आपको अभी अवॉइड करना चाहिए। जो भी विंटर फ्लावर हैं वो अभी हम नहीं कह रहे हैं लगाने के लिए, चाहे वो बल्बस हैं या विंटर प्लांट्स हैं या विंटर सीड्स हैं, वो अभी बिल्कुल रुक जाइए, अभी नहीं लगाइए। ये आप सितंबर में जा कर के बो सकते हैं, वो भी बड़े सावधानी के साथ, वो सारी सावधानियाँ मैं आपको बताऊँगा, जब भी मैं बोऊँगा तो बता दूँगा। एक गेंदा ऐसा है कि ये हार्डी होता है, तो ये हमने उगा के देखे, ट्रायल कर लिया, अब आप लोगों को आगे सजेस्ट करेंगे, क्योंकि ट्रायल पहले मैं कर लेता हूँ ताकि आप जो नए हैं लोग हैं उनको दिक्कत ना आए, जो परेशानी हमें आएगी वो सावधानी पहले ही आपको बता देते हैं। पंडित शर्मा, प्लांट से गुलदावदी के कलर कैसे पता लगाना है? यही मैं बता रहा था कि साइज और कलर का जो है आपको पहचान करनी होती है, वो एक वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें पहचान आपको बता दूंगा कि ऐसे ऐसे पहचान करना है, समय लगता है, मुझे भी काफ़ी समय लगा इसको पहचानने में, अब तो ये पत्ता देखते ही बता देंगे हाँ ये कलर है, लेकिन फिर भी ये नहीं है कि 360 वैरायटियाँ गुलदावदी की आती हैं, 360 के 360 हम कलर से पत्ते देख करके कलर बता देंगे, ऐसा नहीं है, उसमें से 100-200 ऐसी होंगी जिसको बता देंगे, बाकी की 150 ऐसी भी हैं जिनको हम नहीं बता सकते। बिल्कुल ठीक बात है, नर्सरी वाले एक कलर दे देते हैं, उनको खुद को नहीं पता होता है कि कौन सा कलर है क्या है, तो ये चीज़ें तो होती हैं, लेकिन इसको सीखने के लिए एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को ये दिक्कत ना आए। अमन सर, मेरा आपसे सर मैंने आपसे ली क्या यूज़ अभी रेत में लगा सकते हैं? बिल्कुल रेत में लगा सकते हैं, गुलदावदी ली है ठीक है, रेत में लगा दें तो ज़्यादा बढ़िया, नहीं तो मैंने बताया ना छोटे गमलों में थैली में लगा लें इस तरह का पोरस सॉइल बना के, तो उसमें बढ़िया चल जाएगा। पंकज कुमार, सर मिर्च के प्लांट में फूल नहीं आ रहा है, उसकी फ़ोटो भेजें और क्या खाद आपने डाला हाल फिलहाल वो देख लेते हैं। अभी नमन, हेलो पंथर गेमिंग, एयर फ्लावर वाला प्लांट वैरायटी टीका
ये समझ में नहीं आई आपकी बात क्या कहना चाह रहे हैं। मेरे टिकट एक और किसी के क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो बाइंड अप करते हैं इसको, और जो कोई रह गए हैं वो व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। व्हाट्सएप पे फोटो डालिए, क्वेश्चन लिखिए कि क्या दिक्कत आ रही है, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। नहीं सेक्युलेंट नहीं रखते हम, सेक्युलेंट सिर्फ अपने तक के लिए है। मेरे मिट्टी जल्दी सूख जा रहा था। मिट्टी सूख रहा है तो जल्दी सूखने का मतलब खाली रेत रखेंगे तब तो तुरंत सूख जाएगा। कैसी मिट्टी है, कहाँ की मिट्टी है वो भी एक बार बताएं। चलिए इसी के साथ सेशन को बाइंड अप करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक और नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ, ताकि आप सभी को फ़ायदा हो सके, गार्डनिंग करने में मदद मिल सके। धन्यवाद दोस्तों जुड़े रहने के लिए। जी क्या हाइड्रेजिनिया यूपी की गर्मी में हो सकती है? हो जाती है जी, थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। हजार वराइटीज तीखा तो लगी है, ये समझ में नहीं आया। हजार वराइटीज तीखा लगी, समझ में नहीं आई क्या कहना चाह रहे हैं। अमरनाथ जी प्लीज़ बताइए, प्लीज़ एक मिनट बस, क्या पूछना चाह रहे हैं? हाइड्रोजीनिया बिल्कुल हो सकती है, लेकिन नीला कलर देने के लिए ऐसा कोई कलर नहीं डाला जाता। नीला कलर देने के लिए क्या कर सकते हैं? ये ना तो इंडोर में रहेगा ना आउटडोर में रहेगा, बीच का चाहिए इसको, मतलब सेमी शेड में, जिसको हल्की फुल्की धूप भी मिल जाए तब चलेगा।